नेपाली आदमी को कहाँ गैस मिलेगा, लग रहे हैं यहाँ आने के लिए, भाड़ा भी लग रहे हैं 10,000 रुपये तो बस आई लग। इनके काम को रिस्पेक्ट करो। भाई मैंने अभी देखा इन लोगों को इस रास्ते से आते हुए, घर के लिए यूज करेंगे ना भैया, घर के लिए यूज करोगे, चूल्हा वगैरह लगाएंगे अभी, है ना, गैस टूट नहीं है बस। नेपाली आदमी को कहाँ गैस मिलेगा, काम करने आदमी को बस ऐसे करना पड़ेगा, बस 6-7 दिन लग रहे हैं आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भाड़ा भी लग रहे बस 10,000 रुपये तो बस ऐसे लग। बहुत लोग आ रहे हैं लकड़ी वगैरह कट करके। तो ये आप कब से करते हो, मतलब सुबह जाके कट करके अब जाके काम होता है? काम अभी गया ना, हाँ सुबह उधर गया था, हाँ काम करके बस शाम को टाइम में बस क्वार्टर जाने में फिर रखते हैं। सिटीज में और अलग अलग जगह मेहनत करते होंगे, बट ये जो मेहनत है ना, ये असली मेहनत है भाई। यहाँ पर आते हो ना तो यहाँ पर इनका कल्चर और इनके काम को रिस्पेक्ट करो, और यहाँ पर कोई गंदगी वगैरह मत फैलाओ, क्योंकि इन लोगों को ना उठाना पड़ता है, क्योंकि ये अपना घर जैसे मानते हैं इस जगह को, है ना भाई। बहुत मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है। ये देखो एक और भैया भी लेके जा रहे हैं। भैया आप लोग को सेफ्टी का तो इतना ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं होती होगी, आदत हो गया। ये क्या लगा रखा है? इसको लगा। अच्छा ऐसे ही लगा लिया। आइए एंजॉय करें, और ये भी हंसते हुए बात करते हैं, मदद करते हैं, और आपको अपनापन फील होगा यहाँ पर आके। दोस्तों ये है यहाँ की जिंदगी, और ये है हमारे भाई लोग। जी अंकल ऐसे ही है ना। ओके भैया जी, मिलेंगे अंकल जी, नेपाल में मिलेंगे आप सीधा। काम नहीं हुआ था, चलाना पड़ेगा। ठीक है भैया, ध्यान रखिए। ओके ओके। बहुत अच्छा लगा यार भैया लोगों से बात करके। मैंने ऑफ कैमरा बहुत बातें की इन लोगों से, और दिल के बहुत अच्छे हैं यार, नेपाल से हैं ये लोग। काश हमें और लोग ऐसे मिलते रहे ना, हम इनको देख के हम अच्छा बन जाएंगे। Few moments later. आपको लग रहा होगा पता नहीं सामने क्या है और मैं कुछ मांगने वाला हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पतीला, टी पाउडर, चीनी। अभी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, और अपने पास पकड़ने के लिए तो भाई, तो अपने को क्या है ना, इसको ऐसे करके छानना है, और एक ड्रॉप भी बाहर नहीं गिराना है। ओ मेरे काम ना भाई। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। ये आपका और ये मेरे व्यूअर्स के लिए, नेचर में बैठ के ना बस चाय का मजा लीजिए। देखते हैं सर, तो चाय कैसी बनाई आज, बिना बिना दूध के चाय। बढ़िया है सर। अच्छा है ना, बढ़िया है सर। सच बता दो, बोलना पड़ रहा भाई। बहुत ज्यादा ही ना वो बन गई, कड़वी बन गई, कड़वी। तो दोस्तों हम नेचर का मज़ा लेते हुए चाय पी रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और क्या क्या आ रहा है भाई? कसोल की वादियों में, कसोल की वादियों में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप भी आए और एक्सपीरियंस करें। आग जलाने की तैयारी हो रही है, आग अच्छे से जल गई है, थैंक्स टू गॉड। बस ये भुजे ना आप। कुछ उधर है गाइस, ये जो दूसरी आवाज़ चल रही है ना, वो तो वहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है, ठीक है, बट ये जो आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। लाइट लाइट मारो उधर भाई, भाई चल 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 बहुत ढूंढने के बाद रात था, मैं रूम मिला। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो बाघ था या क्या था। कोशिश करेंगे कि अब यहाँ ब्लॉग खत्म करके हम चले जाएं यहाँ से। ध्यान रखिए, गुड नाइट दोस्तों।